Hello, children. Welcome to EVS class. We are in the sixth lesson Every Drop Counts. Dear children, our today's topic is Sources of Water. Under this topic, you will learn about the different sources of water, about rainwater harvesting and step well, and some stories of water. Now, dear children, लुक एट दिस पिक्चर्स दिज आर दिक्चर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर बच्चों ये जो पिक्चर्स है ये कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर के पिक्चर्स है यहाँ से हमें पानी मिलता है रेन रिवर पोंड हैंडप लेक एट्सेट्रा आर समर्सेस ऑफ वाटर नौ चिल्ड्रेन look at these pictures here first one is well and the second one is, is a step well well means kua or jo second one hai isko step well ya baoli bhi bola jata hai inke बीच में यही difference है कि a step well has stairs to reach water स्टेपेल में स्टेयर्स होते हैं पानी भरने के लिए नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इन एन अंडरग्राउंड टैंक इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिस प्रोसेस या टेक्निक से हम रेन वाटर को कलेक्ट करके अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं उसी प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए गए हैं ये दोनों पिक्चर्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस दिखाया गया है किस तरह से फ्लैट रूफ और स्लैंडिंग रूफ में से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ रेन वाटर को अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जा रहा है नाउ चिल्ड्रन अब देखते हैं वाटर स्टोरेज कुछ पानी रखने की जगह या एक कंटेनर हम कहाँ कहाँ पानी को स्टोर कर सकते हैं पॉट गैलन, केन बकेट टैंक इनमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं तो बच्चों अब तक हमने सोर्सेस ऑफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल और वाटर स्टोरेज के बारे में जाना तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं

क्या है या किसे कहा जाता है वो आपको लिखना है इन तीनों क्वेश्चन को ई कॉपी में करके गूगल क्लासरूम पर हैंड इन करना है तो आज की क्लास में इतना ही थैंक यू चिल्ड्रेन